तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो पीछे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप ये देख लो कि किस किस के यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो अप्रूव्ड हुए हैं। पहले मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मनोज खंडेलवाल हैं कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का यहाँ पर अप्रूव हुआ है। नीचे देखिए इनकम्प्लीट है, उन्होंने कंप्लीट नहीं करा तो अप्रूव नहीं हुआ। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है नीचे। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, ये है मिथुन पाटिल। उसके बाद माही का है इनकम्प्लीट एंड नॉट अप्रूव्ड। फिर यहाँ पे देखिए, मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए सुमित का है कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। यहाँ पे आप देखिए लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। फिर है गौतामी गौतम गौतामी का कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। काव्या का कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। फिर नीचे देखिए मानसी का है कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। अभय तिवारी का कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सबके यहाँ पर अप्रूव हुए हैं, पहले बता रहा हूँ जिन्होंने इनकम्प्लीट करा उनका अप्रूव नहीं हुआ है। नीचे देखिए परमिला का है कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। ये मैं लाइव में आपको इसलिए यहाँ पे दिखाऊं ताकि आपको ये यकीन हो सके कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है। सौरभ वर्मा कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। नीचे आ जाओ देखो, ये देखिए शशि का है कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। फिर देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। देख रहे हैं मंजीत का है, शुभदीप का है। तो इन सबके कंप्लीट एंड अप्रूव्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया। यहाँ पे देखिए कंप्लीट है, मनप्रीत कौर का कंप्लीट है, सुदीपिता का कंप्लीट है, वंदना का कंप्लीट है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि इन सबका कंप्लीट एंड अप्रूव्ड है। अब ये सब कैसे है, कैसे यहाँ पर लोगों ने कंप्लीट कर कर अर्निंग करी है, ये सारा कुछ मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये काम क्या है। काम देखो सिंपल सा फॉर्म फिलिंग का काम है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपने फॉर्म को कंप्लीट कर कर सबमिट कराया उनका कंप्लीट हुआ, वो अप्रूव हो गया। जिन लोगों ने इनकम्प्लीट फॉर्म को सबमिट करा उनका रिजेक्ट हो गया, उनका अप्रूव नहीं हुआ तो वो पैसे भी नहीं कमा पाए। यहाँ पर एक फॉर्म का आपको ₹40 मिलेगा। एक फॉर्म आप भरोगे ₹40 मिल जाएंगे। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लाइव में वेबसाइट में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक फॉर्म भरकर आप ₹40 कमा सकते हैं। अब ये सारी चीजें कैसे यहाँ पर पॉसिबल है, कैसे यहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप भी सिर्फ अपने एक मोबाइल से, जी हाँ सिर्फ मोबाइल से सिंपल से फॉर्म भरकर ₹40 एक फॉर्म के कमाना चाहते हैं तो अभी से अभी इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना। और यहाँ पे लगभग 800 फॉर्म है, जी हाँ 800 फॉर्म है जिनको आपको भरना है। तो अगर आप रोज भी अगर तीन तीन चार चार फॉर्म भरेंगे तब भी आपके लिए बहुत सारा काम है। तो काम की कमी नहीं है, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर लोग इस फॉर्म को भरकर अर्निंग कर रहे हैं। बात करूँ इस फॉर्म को देखे भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप 18+ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 7वीं 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की कि यहाँ पर आपको किस चीज का फॉर्म भरना है, वही मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन मिलेंगे टिक करेंगे, आपको एक पूरे फॉर्म में लिखना है, उस फॉर्म को फिल करना है। एक फॉर्म मिल जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर शुरू से लेके एंड तक फॉर्म को फिल करो, तो आपको वो फिल करना है। टॉपिक्स यहाँ पे आपको कंपनी ही देगी किस चीज के बारे में लिखना है, मतलब कि यहाँ पर आपको सिंपल से, अब देखिए यहाँ पर आपको किस टॉपिक के ऊपर लिखना है वो वीडियो में यहाँ पे फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। अब जिन जिन के अप्रूव है उनको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अप्रूव वालों को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हुआ है इनका, क्या है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में उन्होंने लिखा है। नीचे आ जाइए, जिन जिन के कंप्लीट है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है। तो जिनके यहाँ पर अप्रूव है उन्हीं कॉलेज के बारे में आप भी लिखो क्योंकि वो जल्दी से अप्रूव हो रहे हैं। नीचे यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल पॉज करके देखना, यहाँ यहाँ जहां जहां मैं बता रहा हूँ कौन कौन से अप्रूव है। नीचे देखिए शहीद भगत सिंह कॉलेज है, अनंदा मोहन कॉलेज है। नीचे आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, उसके बाद कमाला इंस्टीट्यूट है, फिर नीचे आएंगे एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है, फिर नीचे आएंगे स्टार एक्शन एकेडमी है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उन्हीं कॉलेज के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पे एक बार इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पॉज कर उन कॉलेज के नाम लिख लेने हैं। देखिए यहाँ पर जो जो कॉलेजेस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो कंप्लीट है उनके आगे यहाँ पर उनके कॉलेज का नाम है। ये सेम आपको भी इसी तरीके से लिखना है इन कॉलेजेस के बारे में। अब लिखना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल यही है, तो वो वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। साथ ही अगर आप इस चैनल पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और देखो यार 2023 के अंदर अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिर्फ आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके पैसा भी कमाना है, यानी कि एक नया चैनल बनाना है। अगर आपको नहीं पता कि नया चैनल कैसे बनाया जाता तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने चैनल शुरू किया टिप्स विद बिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, वहाँ वीडियोस और वीडियोस को देख के सीखना है कि कैसे नया चैनल बनाया जाता है।
साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है मैंने, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी कोई भी वीडियो वहां पे शेयर कर सकते हो, तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी। अब इस पूरे वीडियो के प्रोसीजर के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पर google.com को ओपन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट भी google.com हो सकता है कि आपका ओपन हो जाए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है earnonline.co.in। ध्यान से स्पेलिंग को देख लीजिए, earnonline.co.in को आप एंटर करेंगे, सबसे पहली वाली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब राइट हैंड में ऊपर की साइड आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल के अंदर इस तरह का एक आइकन बना होगा। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आप किसी भी इस वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगी। देखिए लाइव देख लीजिए, मैंने क्लिक करा, दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया। आपको अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, कुछ नहीं करना, दोबारा से इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे आपको सिंपल सा लिखना है, सिंपल FORM फॉर्म, और आपको एंटर मार देना है। जैसे आप एंटर मारेंगे, पहले वाला आर्टिकल आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, दोबारा से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, क्लोज कर देना है, इस पर दोबारा से क्लिक करना है। अभी आर्टिकल आपके सामने आ गया है। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है 8 स्टेप्स में कि किस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क करना है, ताकि आपको जब आप वेबसाइट पे जाए, आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वेबसाइट पे रजिस्टर आपको करना है। वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है वो आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए कॉलेज सर्च करना है। कॉलेज सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलेज सर्च करना है, फिर कॉलेज चूज करना है कि कौन से कॉलेज, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिर आपको रिव्यू लिखना है, आपको उन कॉलेज के ऊपर के बारे में लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं वीडियो में भी आगे आपको बताऊंगा। फिर रिव्यू डिटेल्स भरनी है, जो जो वहाँ पर रिव्यू की डिटेल्स है वो आप भरेंगे। फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे, रिव्यू अप्रूव होने पर आपको पेमेंट मिल जाएगा, और ये रेगुलरली कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मैंने बताया कि 800 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिनको आपको रिव्यू करना है। अब यहाँ पर देखिए वेबसाइट का लिंक है, अप्लाई हेयर का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपल सा इस अप्लाई हेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अप्लाई हेयर पर क्लिक करा, दोबारा से इसने दूसरे पेज पर डायरेक्ट करा, कैंसिल कर देंगे, अप्लाई हेयर पर दोबारा क्लिक करेंगे। अप्लाई हेयर पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आ चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम। अब ये मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ये खुद का यहाँ पर एड है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 टू 11 है, आपको ध्यान से भरना है सारा। सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल कौन सा है, 12th आपने कब की है, कौन से बोर्ड से की है, 10th कौन से बोर्ड से की है, ग्रेड कौन से बोर्ड से की है, ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपको आराम से तसल्ली से भरना है। अब यहाँ पे एक बार मैं लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का इंटरफेस आएगा कॉलेज दुनिया का। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं गाइस, बिलीव मी, सिर्फ यहाँ पर रिव्यू लिखकर लोग पैसा कमा रहे हैं। अब रिव्यू लिखकर पैसे कैसे कमाने हैं, रिव्यूज वाले ऑप्शन पे आपको दिखा देता हूँ। फाइंड रिव्यू फॉर ओवर 25,000 कॉलेज है गाइस, कम नहीं है, 25,000 कॉलेज है जहाँ पे आप रिव्यू लिखकर पैसा कमा सकते हैं। रिव्यू लिखना कैसे है, यहाँ पे आप देखेंगे राइट अ रिव्यू का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस राइट अ रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। अब क्या लिखा हुआ है, राइट रिव्यू एंड विन मंथली प्राइस अप टू 30,000, यानी कि अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, इसके साथ साथ रिव्यू का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको 30,000 रुपये मंथली भी यहाँ पर मिल सकते हैं। एवरी रिव्यू विल ब्रिंग अप टू 500 to 30,000 मंथली वाया रेफरल। तो यहाँ से आप इसके अलावा रेफरल से भी कमा सकते हैं, अगर आप किसी को रेफर करते हैं। नीचे आप आ जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए ये सूजी हैं, ये इन्होंने 18,580 कमाए हैं। शिवम राज हैं, 14,000 कमा चुके हैं। सौरभ हैं, इन्होंने 9,000 कमाए हुए हैं, तो बहुत लोग कमा रहे हैं। फर्स्ट प्राइस देखिए कितना है, 15,000 का, सेकंड 12,000, फिर 7,000, फिर 2,000। नीचे आ जाएंगे आप, देखिए यहाँ पर हाउ टू विन द रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स आप कैसे जीत सकते हैं। सबमिट यूर कॉलेज रिव्यू, जो आपका कॉलेज रिव्यू है आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी रिव्यू गेट्स गारंटीड 200 to 300 एक्स्ट्रा फॉर सिलेक्टेड कॉलेजेस, यानी कि जो यहाँ पर कॉलेज सिलेक्टेड है, अगर आप उसके बारे में लिखोगे तो 200 से 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो 40 रुपीज मिलते हैं, यानी कि एक कॉलेज का रिव्यू करने पे यहाँ पे लगभग 200 रुपए मिल रहे हैं, और जो ये 40 रुपीज है ये आपको रेफर करने के मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। रीच इन टॉप 10 लेबर्ड, अब देखिए लीडर बोर्ड है। अब सबसे पहले चेकलिस्ट पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वो सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जिनको अमाउंट 500, रिवॉर्ड्स पॉइंट 1,000।
यानी कि इन कॉलेज के बारे में आप लिखेंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, यानी कि एक पेज आपको लिखना है और 500 रुपये आप कमा लेंगे। नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे मैं आ जाता हूँ कि कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने कॉलेज से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, कि बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग 760 हैं। 760 कॉलेज ऐसे जिनके बारे में आप लिख सकते हो। हर किसी का अमाउंट अलग अलग है। सबसे ज्यादा अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर के ये टॉप कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल। अब जैसे ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, इसको आप कॉपी करो, सिंपल सा काम है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, चैट जीपीटी पे आप आ जाओ और यहां पे लिखो राइट REVIE रिव्यू अबाउट वर्धमान महावीर कॉलेज। ये सिंपल सा है, मैंने यहां पे लिखा, कमांड दे दी। अब ये क्या कर रहा है, उस कॉलेज के बारे में हमें लिख के दे रहा है, देख रहे हो, आपके सामने लिख के दे रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा है, मेरे आपके सामने देखिए हमें सारी चीजें लिख के दे रहा है। बट अगर आप इसको सिंपल ऐसे ही कॉलेज कर कर कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो फिर ये रिव्यू आपका एक्सेप्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो पहचान जाएगा कि आपने ये AI से लिखवाया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इसको कॉपी कर लेना है। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल से ऐसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ से आपको करना है, वापस से आपको एक गूगल पे जाके आपको लिखना है spinbot.com, स्पेलिंग देख लो SPINBOT.com, आपको एंटर करना है और यहाँ पे उस जो भी आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पे वर्ड देखिए 3057 है, बेसिक स्पिन पे आपको क्लिक करना है। अब ये इसको ह्यूमन राइट में कन्वर्ट कर दिया, 3000 को उसने 3209 बना दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इसको हम रिव्यू के तौर पे सबमिट कर देंगे जब हम इसका पूरा फॉर्म भर देंगे। समझ गए आप, तो ये वो तरीका है। अब यहाँ पे देखिए और भी नीचे लीडर बोर्ड लिखी हुई है। अब क्या नहीं करना, क्या करना है वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है। बी फैक्चुअल रहना है, बी डिसेंट रहना है, ओरिजिनल रहना है, पेशेंट रहना है, सोशल पे रहना है। रूल्स क्या क्या है यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी से अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क करना है। फॉर्म भरने का तरीका मैंने बता दिया है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लॉगिन है। मैं इसको एक बार अगर दिखाऊं, यहाँ पे देखिए मेरा प्रोफाइल पूरा है, लॉग आउट कर लॉग आउट मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप मेंबर नहीं है तो ज्वाइन अस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपल सा इस ज्वाइन अस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, सिटी डालनी है, कोर्स डालना है, रिक्वेस्ट OTP कर देना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, एंटर कर देंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे राइटर रिव्यू है, इस राइटर रिव्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट योर कॉलेज एंड स्टार्ट राइटिंग। अब जैसे कि मैंने वो कॉलेज वहां से कॉपी करा था, उस कॉलेज के बारे में आपको लिखना है। तो वो कॉलेज कौन सा था, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, जो हमने यहाँ पर अभी लिखा था। देखिए ये कॉलेज कौन सा था, ये था ये वाला कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, ये आ गया मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे नाम डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, रेफरल कोड कोई है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईयर एडमिशन कब हुआ था वो आपको डाल देना है, आप 2 साल पहले का डाल दो। उसके बाद 12th 10th आपने कौन से बोर्ड से करी है, फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स, ईमेल एड्रेस, जेंडर करना है, ये लिखकर आपको यहाँ पर ये ध्यान से आपको भर देना है। व्हाट वाज द योर क्लास साइज क्या था, तो वो यहाँ पे आप भर देना है। OPT फॉर हॉस्टल्स नो है, आपने हॉस्टल्स नहीं लिया, प्लेसमेंट नो नो नो। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको रिव्यू जो आपने यहाँ पे लिखा है उसे पेस्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। और इस फॉलो करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज पे आप लिखेंगे तो 500 रुपीज मिलेंगे, यानी कि सिर्फ कुछ फॉर्म यहाँ पर जो है ये 1 से 11 फॉर्म ये आपको भरने हैं। 11 फॉर्म आप भर रहे हैं और कितना पैसा आप कमा रहे हैं, 500 रुपये। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना है, स्टेप 2 11, 11 फॉर्म भरने के 500 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो आपको देरी नहीं करनी है, 11 फॉर्म भरो, 500 रुपये कमा लो। इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनको आपको फिल करना है और पैसा कमाना है। तो अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई भी आपके मन के अंदर डाउट हो तो कमेंट्स करना है। और हाँ, जो ये सारा पैसा है ये आपको आपके पेटीएम पे मिलेगा। जी हाँ, कोई इसके लिए पेपाल की जरूरत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, पेटीएम में डायरेक्टली अपना पैसा ले लो। और यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ही आप यहाँ पे अप्रूव होता है, आपका पैसा सीधे आपके पेटीएम में जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी से अभी जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क करना है। और कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।